What's up everyone, welcome back to the channel. और हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज. उम्मीद कर रहा हूँ कल आप सभी ने फिजिकल एजुकेशन का वीडियो तो देख ही लिया होगा, बट आज का वीडियो कुछ और स्पेशल है, कुछ और खास है. हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश के साथ, और जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंगो प्रोज पोर्शन के साथ. दो पोर्शन में आता है, प्रोज और पोइट्री. तो हम लोग पहले प्रोज कंप्लीट कर देंगे, और पहला लेसन ही होने वाला है द लास्ट लेसन. मतलब पिक्चर शुरू नहीं हो रही है कि खत्म हो रही है. तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, और बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी फॉर्म में करेंगे और सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे विद इन दिस वीडियो ओनली. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट शुरू करते हैं, और सभी बच्चों तक जानकारी पहुंचा देना कि इंग्लिश भी पढ़ना है, फिजिकल भी पढ़ना है, अकाउंट्स भी, बीएसटी भी, इकोनॉमिक्स भी. लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं हम लोग द लास्ट लेसन के साथ. सबसे पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन. शाबाश, क्या बात है. तो लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट. हमारे पास ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट शुरू के दो तीन चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा. अल्फोंसो डॉडेट, और ये चैप्टर क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी है, ये मैंने यहां पे सारा लिख दिया है. तो सबसे पहले क्या है, ये जो टाइम है, कब किस टाइम पे लिखा गया है, ये एट द टाइम व्हेन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रूशियन वॉर वॉज देयर. मतलब कि वॉर चल रहा था कब, 1870-71 का टाइम है. डेट याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और उस टाइम पे यूजुअली फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चल रहा था. बेसिकली उस टाइम का प्रशिया, आज के टाइम पे प्रशिया में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारे पास जो मेन जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट्स ऑस्ट्रिया का है. तो उस टाइम पे वो प्रशिया हुआ करता था. तो फ्रांस और प्रशिया के बीच में वॉर चल रहा था, जिसके अंदर फ्रांस वॉज डिफीटेड. फ्रांस को हरा दिया गया था किसके द्वारा, प्रशिया के द्वारा, जिनका रूलर कौन था, बिस्मार्क. ये भी याद रखना है. और जो उनकी दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थी, दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी, एल्सेस और लॉरेन. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. एल्सेस और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रूल कर लिया था अब किसने, बिस्मार्क ने, यानी कि प्रशिया ने. अब हुआ क्या, स्टोरी में क्या हो रहा है, द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द पेन. स्टोरी में हमें पेन रिफ्लेक्ट करा जा रहा है, दिख रहा है. किसका पेन है, इन लोगों का है. कौन से लोगों का, जो फ्रांस के लोग हैं. क्यों फ्रांस के लोग पेन में है, क्योंकि अब उन्हें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज और अपने रिलीजन कस्टम को भूलना होगा, क्योंकि वो तो हार चुके हैं. पहले क्या होता था ना, वॉर जो जीत जाता था वो एक्वायर कर लेता था सब कुछ, तो वो तो हार चुके हैं. तो इट रिफ्लेक्ट्स द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल बाय इट्स कॉन्करर. पीपल कौन से पीपल, फ्रेंच पीपल. और कॉन्करर कौन था, आपको पता ही है, प्रशिया. और बाय टेकिंग अवे देयर राइट, उन्होंने क्या करा है, उनसे उनका राइट ले लिया था, देयर राइट टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज. वो अपनी लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ सकते हैं अब, ना बोल सकते हैं. तो काफी पेनफुल स्टोरी है. क्यों, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अपना सब कुछ भूल रहे थे, अपना एग्जिस्टेंस उनका खत्म होने वाला था. तो स्टोरी को मैंने शॉर्ट शॉर्ट पार्ट्स में बनाया है. सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्टोरी पार्ट वन. देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये स्टोरी है एक छोटे बच्चे की जो स्कूल जा रहा है, वही नरेटर है, वो अपनी बात कर रहा है. उसका नाम क्या है, ध्यान रखेंगे, फ्रांस, FRANZ. फ्रांस मत लिखा ना वहां पे, फ्रांस. स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, उस दिन काफी लेट निकला है वो घर से, अफ्रेड ऑफ बींग स्कोल्डेड. उसको लग रहा है कि यार आज तो डांट पड़ेगी. क्यों पड़ेगी, क्योंकि उसको कुछ होमवर्क दिया गया था, उसको कुछ पार्टिसिपल्स दिए गए थे जो कि उसने सुनाने थे आज स्कूल जाकर, वो प्रिपेयर्ड नहीं था, तो वो काफी डरा हुआ था. एम हेमल उनके जो टीचर हैं, उनका नाम है एम हेमल. बच्चे का नाम क्या है, फ्रांस. फ्रांस, फ्रेंस नहीं. और एम एम एल उसके टीचर हैं, वो उनसे क्वेश्चन करने वाले थे अबाउट द पार्टिसिपल्स. ठीक है, पार्टिसिपल्स जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास वोवल्स हैं वगैरह हैं, ऐसे ही पार्टिसिपल्स होते हैं फ्रेंच में. तो ही थॉट ऑफ रनिंग अवे. उसने सोचा यार छोड़, आता तो कुछ है नहीं, मैं क्या करूंगा, स्कूल जाके आज बंक करता हूँ. ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग डे आउट ऑफ द डोर्स. बाहर हो क्या रहा था, बहुत एक बढ़िया ब्राइट डे था, ब्राइट डे है, चिरपिंग बर्ड्स हैं, और जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो अपने ड्रिल वगैरह कर रहे हैं, और वो उसको काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वो काफी ज्यादा टेम्प कर रहा है उसको कि छोड़ स्कूल का, क्या करेगा जाके, आ जा. बट ध्यान रखेंगे, ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन. उसने अपने आप को संभाला कि नहीं यार स्कूल तो जाना ही है, घर से स्कूल के निकला हूं ना. रेजिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. वो स्कूल की तरफ भागा. पहला पार्ट समाप्त. स्क्रीनशॉट लेना है क्या,
ले लो जल्दी से, पूरा फर्स्ट पार्ट ये बहुत ध्यान से देखना है। अब वो स्कूल की तरफ चल रहा है, स्टोरी आगे बढ़ रही है, स्कूल की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बहुत काफी बड़ा सा क्राउड है, कहां पे क्राउड है, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। और बुलेटिन बोर्ड पे यूजुअली उसको बैड न्यूज दिख रही थी कई दिन से। क्यों बैड न्यूज दिख रही थी, क्योंकि वॉर चल रहा था तो काफी ज्यादा बैड न्यूज आ रही थी वहां पे डेली। अब आज भी काफी क्राउड खड़ा हुआ तो उसको लग रहा था यार कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा होगा। बट आगे क्या होता है, वहां पे उसको एक ब्लैक स्मिथ मिलता है जिसका नाम है वॉचर। तो वॉचर उसको बोलता है फ्रांस को कि भाई आज डू नॉट गो टू फास्ट, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच स्कूल। तेरे को बहुत जल्दी भागने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक सफिशियंट टाइम है, आप टाइम से स्कूल पहुंच जाओगे। यूजुअली देर वॉज अ ग्रेट बसल वेन द स्कूल बिगन, बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। यूजुअली क्या होता है, जब वो स्कूल में जाता है ना तो काफी हसल बसल होता है, बच्चे इधर उधर जा रहे होते हैं, काफी शोर मच रहा होता है, काफी लाउड नॉइज हो रही होती है। बट उस दिन ऐसा नहीं था, उस दिन समथिंग वॉज डिफरेंट। उस दिन सब बिल्कुल क्वाइट था, साइलेंस था, एक डिसिप्लिन दिख रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग हो। उसको ऐसा लग रहा था यार कुछ तो अलग है यार। तो ये है हमारे पास स्टोरी का पार्ट सेकेंड, मतलब वो स्कूल पहुंच गया, और स्कूल पहुंच के उसको ना थोड़ा अलग सा लगा कि यार ऐसा क्या हो रहा है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी लो फटाफट से। नेक्स्ट क्या आता है अब हमारे पास, अब स्टोरी पार्ट 3 और इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब क्या हो रहा है इसमें, इस केस में अब उसने विंडो से ही, थ्रू द विंडो फ्रांस सॉ हिज क्लासमेट्स। उसने अपने क्लासमेट्स को देखा और एम हेमल को देखा जो वॉक कर रहे थे आगे से पीछे अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर। उसको लगा कि यार आज तो ये रूलर मेरे को पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद तो कुछ है नहीं। वो देख के डर गया, फ्रांस वेंट इन फ्राइटेंड, वो अंदर गया। बट स्टोरी वॉज डिफरेंट, हुआ क्या, एम हेमल ने उसको क्वाइटली कहा कि आओ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर नॉट लेट, आप आगे आराम से अपनी सीट लो। एक तो ये उसको बहुत ऑकवर्ड लगा कि ऐसा क्यों है, क्यों इतना मिस्टर एम हेमल ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, तो उसको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। उसके साथ साथ फ्रांस नोटिस्ड, उसने नोटिस करा कि दैट देयर टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटिफुल, उन्होंने ग्रीन कोट पहना है अपना, फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी है, वो भी एम्ब्रॉयडरी वाली। तो मतलब कि उसको डिफरेंट लगा, क्योंकि ये जो कपड़े है ना, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, उनकी कैप एम्ब्रॉयडरी वाली, वो यूजुअली अलग डेज पे पहनते थे। कौन से डेज पे, या तो प्राइस डेज पे, यूजुअली कब पहनते थे, या इंस्पेक्शन या फिर प्राइस डेज पे, मतलब वो नॉर्मल डेज पे वो ड्रेस नहीं पहनते थे, उनका आउटलुक अलग होता था। बट आज ऐसा क्यों है उसको समझ नहीं आ रहा था। द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली, उसके साथ साथ जो विलेज के लोग हैं वो भी आके बैठे हुए थे, कहां पे, बैक बेंचेस पे, मतलब कि वो बैक बेंचेस जो कि यूजुअली खाली रहती थी, उन बैक बेंचेस पे आज विलेज पीपल बैठे हुए थे, ओल्ड पीपल आके बैठे हुए थे। यार ऐसा क्यों हो रहा है, अब वो फिर से उसका थॉट प्रोसेस हो गया अलग। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब काफी निराश लग रहे थे। एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉसर एक ओल्ड पर्सन है जो एक प्राइमर लेके आया हुआ था। प्राइमर बेसिकली ये है कि जिसके अंदर एक तरीके से ट्रांसलेशंस होती हैं, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो रही है, तो ऐसा प्राइमर होता है। तो सब काफी सैड थे, और ये ध्यान रखेंगे हॉसर क्या लेके आया है, एक ओल्ड प्राइमर। इसके बाद ये हमारे पास एक बेसिक स्टोरी का पार्ट 3 है। अब नेक्स्ट क्या हुआ है, क्या चल रहा है इसके बाद, इसके बाद अब मिस्टर एम एम एल बोलना शुरू करते हैं, सब लोग साइलेंस हो जाते हैं, सब बैठ जाते हैं, फ्रांस भी बैठ जाता है जाके। अब मिस्टर एम एम एल शुरू करते हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ एम एम एल, एम एम एल बताते हैं, काफी ज्यादा उनकी पिच ऑफ द वॉइस काफी अलग होती है, और वो काफी ज्यादा सैडनेस के साथ बताते हैं कि दिस उनका ये एक लास्ट लेसन है, किस पे, फ्रेंच लैंग्वेज पे, मतलब आज का लेसन वुड बी द लास्ट लेसन। क्यों, क्योंकि अब वो वॉर में हार चुका है उनका, और कल से नए टीचर आएंगे और जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, वो फ्रेंच लैंग्वेज में आज आखिरी बार आखिरी लेसन पढ़ा रहे हैं, इसके बाद कल नए हेडमास्टर आएंगे और बच्चों को जर्मन पढ़ाएंगे। तो क्या हो रहा है, हेंसफोर्थ ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, फ्रेंच का दिस वुड बी लास्ट लेसन। फ्रांस फेल्ट सॉरी, फ्रांस को बहुत बुरा लगा कि यार मैंने अपने लेसन नहीं याद करे, आखिरी लेसन, मैं इतने टाइम से इतना केयरलेस था, तो उसको काफी सैड फील हुआ। फ्रांस फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्न्ड हिज लास्ट लेसन्स। नाउ नरेटर, नरेटर कौन है, फ्रांस, ठीक है, नरेटर जो स्टोरी बोलने वाला है, जैसे स्टोरी शुरू होती है आई से, आई स्टार्टेड ऑफ फॉर स्कूल वेरी लेट, यानी कौन, फ्रांस, ठीक है। नरेटर अंडरस्टैंड या अंडरस्टूड, पास्ट में चल रहा है, अंडरस्टूड
द आइडिया बिहाइंड एम हेमल क्लोथ्स। अब उसको समझ आने लगा कि एम हेमल ने क्यों डिफरेंट कपड़े पहने हैं, क्यों ओल्ड पीपल आके बैठे हुए हैं बैक बेंचेस पे, पर्पस क्या था उनके आने का। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैड कम टू थैंक द मास्टर। वो टीचर को थैंक यू करने के लिए आए थे। कितने टाइम के लिए? क्योंकि वो 40 इयर्स से वैसे के वैसे थे। ऑन 40 इयर्स ऑफ देयर फेथफुल सर्विस एंड टू शो रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, जो उनका नहीं रहा, वो कंट्री अब किसी और के हाथों में जा चुका था। तो वो आए और उन सबका पर्पस सिर्फ यही था कि वो थैंक यू करें अपने प्रोफेसर को, अपने टीचर को, जिन्होंने 40 इयर्स से उनके लिए सर्व करा है, 40 इयर्स से अपनी सर्विस दिया और अपनी कंट्री को भी रिस्पेक्ट शो कर सकें। तो दैट वॉज द स्टोरी पार्ट नंबर 4। अब क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, MML शुरू करते हैं, क्या चलता है वहाँ पे। MML asked France to recite, वो फ्रांस को बोलते हैं कि फ्रांस स्टैंड अप और सुनाओ कि आपको क्या याद है, आपने होमवर्क करा अपना पार्टिसिपेंट्स पे। अब फ्रांस खड़ा होता है, एक तो ऑलरेडी वो इमोशनल हो चुका होता है और उसने पढ़ा भी नहीं होता, तो वो साइलेंस के साथ खड़ा होता है, काफ़ी सैड। फ्रांस वॉज साइलेंट बट टीचर डिडंट स्कोल्ड हिम, वो उसको बिल्कुल नहीं डांटते। इवन टीचर ये बोलते हैं कि इसमें इस बच्चे की गलती नहीं है, इसमें इसके पेरेंट्स और टीचर की ही गलती है कि वो लोग उसे शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाए कि वो अच्छे से पढ़ाई करे। तो इवन द टीचर कन्फेस्ड दैट द पेरेंट्स एंड द टीचर वर एट fault. Then he talked of the French language. फिर वो French language के बारे में बात करने लगते हैं। M. Hamel अपनी ही अपने बारे में बताते हैं कि French language is the most beautiful language in the world. सबसे अच्छी language है, वो language को appreciate करते हैं। The clearest and the most logical. उसके साथ साथ वो बोलते हैं कि कभी भी आपको अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं है, नेवर फॉरगेट फ्रेंच लैंग्वेज एंड योर लैंग्वेज, ये लाइन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, योर लैंग्वेज वॉज द की टू योर प्रिजन। मतलब कि ये लाइन किसने बोली थी, ये लाइन बोली थी प्रोफेसर ने, प्रोफेसर एम हेमल ने। उसने बोला कि ये जो लैंग्वेज है यही की है आपकी प्रिजन की और इसे हमेशा ध्यान रखना, कभी मत भूलना। देन दे हैड लेसन इन ग्रामर, उसके बाद ग्रामर का एक लेसन होता है और एक राइटिंग का लेसन होता है। उसके साथ साथ जब वो लेसन वगैरह चल रहे होते हैं तो पीजन्स की आवाज़ हो रही होती है रूफ से, और जो फ्रांस है वो पीजन को देखता है रूफ में ऊपर और वो सोचता है क्या ये पीजन्स को भी जर्मनी बोलने पे फोर्स करेंगे, क्या पीजन्स भी अब जर्मनी में जर्मन में बोलेंगी। तो क्या था, द पीजन्स कूड ऑन द रूफ एंड फ्रांस थॉट इफ दे वुड मेक इवन पीजन सिंग इन जर्मन, क्या पीजन्स भी जर्मन में बोल पाएंगी, सिंग करेंगी, गाना गाएंगी अब जर्मन में। तो ये उसका माइंडसेट होता है और ये हमारा स्टोरी पार्ट 5 रहता है, बस एंडिंग की तरफ चल रहा है। अब क्या हो रहा है, बस लास्ट में, एट लास्ट ऑल द वाइल एम हेमल वॉज सिटिंग मोशनलेस, बस वो फिर मोशनलेस होके बैठे होते हैं और वो इधर उधर देख रहे होते हैं, और जो एम हेमल की सिस्टर हैं, हिज सिस्टर वॉज पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो बैग्स पैक कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें अगले दिन कंट्री छोड़ के जाना है, वो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, कल से तो वैसे भी जर्मन पढ़ाई जाएगी। एंड आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर एक हिस्ट्री का लेसन होता है, एंड देन द बेबीज चैंटेड बाबी बाई बोबू। ये बच्चों के लिए वर्ड यूज करे गए हैं तो याद रखना, बेबीज की आवाज आती है। एंड उसके बाद जो ओल्ड होजर है वो भी बहुत ज्यादा रो रहे होता है, काफी सैड होते हैं सभी लोग, काफी टेंस होते हैं। तभी 12 बज जाते हैं, बस 12 बजते हैं, स्कूल ऑफ होने का टाइम हो जाता है। चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द मिड डे प्रेयर्स होती है। एम हेमल स्टूड अप, एम एम एल खड़े होते हैं, लास्ट मोमेंट है, अब वो जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के और आज 40 साल बाद उन्हें स्कूल छोड़ना है, तो वो बोलना ज़रूर चाहते हैं बट इतना ज़्यादा हैवी हार्ट होता है उनका, वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। एम हेमल स्टूड अप, ही वॉन्टेड टू स्पीक बट चॉक्ड, बोलना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बोल पाते। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, वो फिर एक चॉक का पीस लेते हैं और ब्लैक बोर्ड पे जितना बड़ा लिख सकते हैं उतना बड़ा लिखते हैं, वीव ला फ्रांस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं अपनी कंट्री को, इसको ध्यान रखेंगे, काफी बड़ा लिखते हैं वो बोर्ड के ऊपर। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, बस वो वॉल पे अपना हेड को टेक लेते हैं। देन ही मेड अ जेस्टर, बस वो मुंह से कुछ नहीं बोल पाते, बस एक जेस्टर से इंडिकेट करते हैं कि आप लोग जाओ, क्लास ख़त्म हो चुकी है और उनकी आज आखिरी मीटिंग है, आज के बाद वो कभी नहीं उन्हें मिलेंगे और बस क्या चलने वाला है, नेक्स्ट डे से सिर्फ जर्मन चलने वाला है। तो ये उनका लास्ट लेसन होता है और क्लास वॉज डिसमिस्ड। तो ये हमारा पूरा स्टोरी है जो शोकेस कर रहा है कि कितने लोग, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, कितने ज़्यादा लोग
परेशान थे, कितने ज़्यादा लोग टेंस थे कि उनको वो अपना रीजनल लैंग्वेज सब कुछ छोड़ना है, बट प्रोफेसर एक बहुत अच्छा लेसन देके जा रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल भी अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं है और हमेशा के लिए याद रखना है। तो ये लास्ट लेसन था, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, बट एक बार हम लोग स्टोरीज कंप्लीट कर लें। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा और सारी चीज़ें माइंड में सेट हो गई होंगी। एक बच्चे की कहानी है और एक टीचर के द्वारा रिसाइटेड है, काफ़ी अच्छा लगा लेसन, उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी बढ़िया लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।